दोस्तों, सीए पास करना कोई मुश्किल चीज नहीं है. इट्स नॉट अ बिग गेम, इट्स नॉट अ टफ गेम एट ऑल. आप लोगों ने ताला देखा है? ताला, लॉक देखा आप लोगों ने? उस ताले को खोलने के लिए क्या चाहिए होता है? की. डज दैट रियली मैटर? द पर्सन हु इज होल्डिंग दैट की इज अ मेल और अ फीमेल? Does that really matter? No. Does that really matter? The person who is holding the key comes from a which part of the country is he from? Does that really matter? No. Does that really matter? The person who is holding a key, what sort of a financial background this person has? Does that really matter? No. Does that really matter what sort of a social status this person has? No. What is important? If the person has the right key or not. If the person has the right key or not, and if you have the right key, you can open this lock, you can move through to your success and achieve what you truly want to do. But it's not just about the keys. Even if you have the right key and if your mindset is screwed, you will not be able to open the lock. Main aapko chabi deta hu, ulti direction mein ghumao, khol nahi paoge. मैं आपको चाबी देता हूं, उल्टी डायरेक्शन में घुमाओ, खोल नहीं पाओगे. इट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट की, इट इज एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट टू हैव अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड. टू हैव अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड, इट्स अबाउट साइकोलॉजी. दोस्तों, अपने बुक के लिए मैं कुछ रैंक होल्डर्स के इंटरव्यूज ले रहा था, एंड आई केम अक्रॉस दिस गाय. ही गॉट ऑल इंडिया रैंक वन. एंड व्हाइल इंटरेक्टिंग विद दिस पर्सन, उसने मुझे बताया कि सर, इस अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक वन आई है, लेकिन इसके दोनों अटेम्प्ट पहले आई फेल्ड. मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा. दोस्तों, अगर एक स्टूडेंट एक अटेम्प्ट में फेल होता है ना, तो दूसरे अटेम्प्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम वो पास हो सकता है, और अगर दूसरे अटेम्प्ट में भी वो फेल हो जाता है, तो तीसरे अटेम्प्ट के अंदर उसकी साइकोलॉजी पूरी की पूरी बिगड़ जाती है और पास होना तक मुश्किल हो जाता है. एंड आई वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु फेल्ड ट्वाइस इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन सीए फाइनल कोर्स, एंड इन द थर्ड अटेम्प्ट ही नॉट जस्ट क्लियर, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक वन, ही वॉज द टॉप मोस्ट स्टूडेंट. मैं जानने के लिए इच्छुक था. मैंने उससे पूछा, ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या डिफरेंस था कि आप दो अटेम्प्ट फेल होने के बावजूद जहां स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं पास होने में, यू गॉट ऑल इंडिया रैंक वन. और उसने जो मुझे कहा, जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? उसने मुझे कहा, आई डिड नॉट लेट माई फेलियर्स एंटर माई माइंड. दैट्स इट. दैट्स हाउ स्पेशल इट इज. दैट्स हाउ स्पेशल इट इज. ही सेड, आई डिड नॉट लेट माई फेलियर्स एंटर माई माइंड. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. इट डजंट रियली मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फेल. Doesn't really matter. Don't let your failures enter your mind.